अरे वाह दीदी, मैगी लेकर आई हैं। लेकिन ये क्या, मैगी तो लंबी बहुत है दीदी, खा ही नहीं पा रही। और दीदी टेबल पे चढ़ गई लेकिन मैगी अभी भी नहीं खा पा रही। और ये दीदी चिमनी से छत पर पहुंच गई लेकिन मैगी इतनी लंबी है कि अभी भी नहीं खा पा रही। अरे ये मैगी है या चाइना की पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है। और ये मैं क्या देखता हूँ, छत पे तो माली पेड़ पौधे काट रहा है और उसने उसी कैंची के साथ दीदी की मैगी काट दी। और दीदी छत से दोबारा नीचे उतर के डाइनिंग टेबल पे बैठ के मैगी को सीजर के साथ काट काट के खा रही है। कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं। पहली बात तो मैगी इतनी लंबी होती नहीं, और अगर थोड़ी बहुत लंबी होती भी है और तुमसे इतनी लंबी मैगी नहीं खाई जाती तो पहली तोड़ मरोड़ के बना लो ना उसको। क्यों ही अपना दिमाग खर्च किया, पहली लड़कियों के पास दिमाग कम होता है। मुझे तो ये 5 मिनट क्राफ्ट वालों के लाइव एक्स ना बिल्कुल ही सेंसलेस लगते हैं। मतलब क्या ही बताऊं यार, तभी तो उन पे आज रोस्ट वीडियो बना रहा हूं। और मैं पहली बता दूं कि आज इस वीडियो में मैं सिर्फ लाइव एक्स देखूंगा और उनको रोस्ट करूंगा, ट्राई तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये सब भी भला कोई ट्राई करता है? अरे तब तुम्हें क्या पता यार, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लेम यूट्यूबर्स हैं जिनके कहने को तो रोस्टिंग चैनल है लेकिन स्क्रिप्ट में रोस्ट के नाम पे, ओ सॉरी स्क्रिप्ट तो वो लिखते ही नहीं है, वो बस ये लाइफ हैक्स देखते हैं, उनको ट्राई करते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं और इतने में मिलियन व्यू छाप लेते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। चलो छोड़ो यार, हमें उनसे क्या, हम अपने व्यूज छापते हैं, मेरा मतलब है अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये दीदी ने सिंक पे लैटरिन वाला ब्रश लगाया, उस पे बिम डाला, पानी डाला और उसमें जार घुसा के आगे पीछे ऊपर नीचे। अरे भाई ये क्या लगा दिया तुमने, वो मैंने लाइफ हैक देखने की बात की थी, ये तो तुमने लोंडो की डेली लाइफ रूटीन लगा दी। बड़ा हरामी हो बेटा। ओ अच्छा, ये जार साफ करने के लिए उसमें ब्रश घुसा के ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए उन्होंने लैटरिन वाला ब्रश लिया, उसी में जार डाल डाल के धो दिए और 1 मिनट में सारे के सारे बर्तन डन। बहुत बढ़िया लाइफ हैक है भाई, बहुत बढ़िया, इट वर्क्स। अब अगला दिखाओ। अरे काले कपड़ों में कौन आ गया, वो चोर है भाई, ये इधर उधर सामान ढूंढ रहा है लेकिन बेचारे को कुछ मिला नहीं और थक कर के सोफे पे बैठ गया बेचारा, और वहाँ पे चिप्स का डिब्बा पड़ा था उसमें चिप्स खाने लग गया। ओ ये मैं क्या देखता हूँ, चिप्स की कर कर की आवाज़ सुन के औरत भागी हुई आई और देख रही है टोपी किसकी है, चोर आया था यहाँ पे। और दीदी ने चिप्स का डिब्बा निकाल के देखा, ओ भाई उसमें से तो गहने और पैसे निकले। ओ दीदी देख रही है बच गया बच गया। लेकिन अरे ये कौन सा लाइफ हैक हो गया भाई तुम्हारा, मतलब तुम्हारे घर में कोई तिजोरी नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, उसमें रखो ना पैसे और गहने, चिप्स के डिब्बे में कौन रखता है भाई। दीदी एक काम करो मेरे से ले लो यार 2-3 हज़ार रुपये, कोई बढ़िया सी अलमारी ला के रख लो, उसमें रखो ये सब। ओके ये कोई लाइफ हैक नहीं है भाई, वो तो बेचारे चोर को भूख कम लगी थी इसलिए वो एक चिप्स खा के निकल गया, और अगर कोई मेरे जैसा भूखा चोर होता उसने तो पूरा का पूरा चिप्स का डब्बा ले जाना था, फिर ढूंढती रहती अपने पैसे और गहने। सही बात है। ये लड़की गाड़ी लेकर आई और पार्किंग कर रही है, आगे देख रही है जगह कितनी रहेगी और उतर के देखने लग गई, और जगह ज्यादा थी तो बीच में बैठ के फिर आगे करी, फिर उतर के देखने लग गई और फिर गाड़ी में बैठ कर फिर गाड़ी आगे करी, फिर उतर के देखने लग गई। अरे यार 2000 years later. मुझे समझ में नहीं आता यार, ये लड़कियों को लाइसेंस कौन दे देता है। अरे मुर्गा कहाँ से आ गया अब, अरे मुर्गे की लाते बांध दी, अरे इतने सारे मुर्गे, मुझे लग रहा दीदी ने पोल्ट्री फार्म खोलना है अब। अरे क्या चल रहा है भाई ये, अरे फिर गाड़ी लेकर आ गई, ओ भाई इसने तो सारे के सारे मुर्गे गाड़ी के आगे लगा दिए, ओ सारे मुर्गे आगे गाड़ी ठोक दी भाई, मुर्गे मरगे सारे, घर पे जाके चिकन बना के खाई। What? ओ सॉरी मैं मुद्दे से भटक गया था, लेकिन बट अ लाइफ है यार, मतलब गाड़ी ठुकेगी लेकिन गाड़ी में कुछ होएगा ही नहीं, व्हाट अ ब्रेन, व्हाट अ बिग ब्रेन। इससे अच्छा जितने में तुम ये मुर्गे लेकर आई हो ना, अपनी गाड़ी आगे फ्रंट पार्किंग सेंसर लगवा लेती, तुम्हारी गाड़ी जब भी ठुकने लगती ना टू टू की आवाज आती है और तुम्हें पता चल जाता। और लेकिन यार मैं तो भूल ही गया, ये तो लड़की है यार, इसने तो फिर भी गाड़ी ठोक ही देनी थी। दीदी तुम्हारे लिए ये मुर्गी बेस्ट है, और ये लाइफ हैक ना लड़कियों के लिए ही है, फॉर गर्ल्स इट वर्क्स। ये क्ले ली, उसको अंगूठे से दबा दिया और उसके ऊपर तीली से लाइनें खींच दी और फिर उसको एक साइड से दबा दिया और उसको उठा के एक और बड़ी क्ले पे रख दिया और ऐसा एक और पीस रख दिया, एक और रख दिया, एक और रख दिया और फिर उनको उठा दिया और जो उसकी लाइनें थी वो सारी सारी बड़ी क्ले पे छप गई। और फिर ये उन्होंने बड़ी क्ले उठाई, उसके ऊपर कुछ चमकीला चमकीला सा डाला और ये उसके ऊपर कुछ मलाई जैसा डाला और उसको चम्मच लेकर खा लिया, ओ सॉरी फैला दिया। और भाई ये करना क्या चाहते हो तुम, फिर मलाई उठा के उसको सीजर से काट दिया, एक एक डिज़ाइन काट दिया। अरे भाई इसका क्या करोगे तुम अब, ये
लड़की आ गई, घूम गई। ओ भाई, इन्होंने तो उसकी ड्रेस बना दी। लेकिन एक मिनट यार, ऐसी अजीब सी ड्रेस अब पहनने का कौन भाई? ओ हाँ, उर्फी जावेद, वो पहन सकती है ये सब। मुझे तो लग रहा है स्पेशली इन्होंने ड्रेस बनाई उसी के लिए है। उसके अलावा तो कोई अजीबोगरीब कपड़े पहनते ही नहीं है इस दुनिया में। बात तो सही है। मतलब क्ले ली, उसके ऊपर डिजाइन बनाया, मलाई डाली, ग्लिटर सा डाला, उसको काट काट के ये ड्रेस बना दी। क्यों, किस लिए? ये दीदी गई अलमारी में सामान रखा और अलमारी बंद करी, लेकिन ये क्या, अलमारी बंद नहीं हो रही और अलमारी ने दीदी को धक्का दे दिया और अलमारी में से कोई सामान ऐसे निकाल निकाल के फेंक रहा जैसे कोई कचरे के ढेर पे कचरा फेंकता है। ओ ये क्या भाई, अलमारी में से लड़का निकला। दीदी ने अलमारी में लड़का छुपा के रखा हुआ था। चलो छोड़ो ये सब। ये क्या भाई, दीदी ने ग्लू गन ली, अलमारी में मैग्नेट लगा दी और अलमारी चिपक गई। वाह दीदी वाह, ये लाइफ हैक है यार। मेरी अलमारी में तो ये पहली हो रखा है। फिर मेरा कारपेंटर तो तुम्हारे से बड़ा हैकर हुआ ना साला। तुमने कारपेंटर से पैसे बचाने के चक्कर में पहले मैग्नेट लगाया नहीं, उसके बाद मैग्नेट लगा के फिर कह रहे हो लाइफ हैक है। This is business. अरे एक घंटे का लाइफ हैक नहीं है। जिस हिसाब से तुमने कपड़े ढूंस रखे थे ना अलमारी में, उसके आगे मैग्नेट छोड़ो, मैं कहता हूं पत्थर रख दो लागे तो भी ना रुके वो। बात तो सही है। और ये सब करके तुम कह रहे हो कि लाइफ हैक है। मतलब यार तुम ऐसी छोटी मोटी चीजें करके उसको लाइफ हैक बता के वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाली जा रहे हो और उस पे मिलियंस में व्यूज छापी जा रहे हो, और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इनकी ये वीडियोस देखता कौन है। अरे लेकिन कल रात को तू ही तो यही सब देख रहा था ना। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, ये सब तो मैं भी देखता हूँ। लेकिन क्या करूँ भाई, जब रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती तो इनकी जाके 2-4 वीडियोस देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया नींद आ जाती है, मुझे समझ में नहीं आता ये कंटेंट बनाते हैं स्लीपिंग पिल्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये कोई अजीब सी चीज ली, उसको काट दिया चाकू के साथ और क्ले जैसा लग रहा है कुछ, और उसको उठा दिया, एक और पीस उठा दिया, फिर इसको पूरा का पूरा उठा दिया। अरे ये क्या भाई, ये तो ड्रेस बन गई। अरे तुम्हारा चल क्या रहा है, ये तुम ये उर्फी जावेद से सीख के आ रहे हो या उसी को देख के बना रहे हो? नहीं यार, वैसे वो भी इतने बेकार कपड़े भी पहनती, उसका फैशन सेंस फिर भी अच्छा है। मतलब इतना अच्छा नहीं है लेकिन इनसे तो अच्छा ही है यार। ये सब क्या कर रहे हो, क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? इससे अच्छा मेरे से ले लो यार 200-300 रुपये, तुम बढ़िया टॉप ला के पहनो यार, कोई बढ़िया फैशन सेंस हो। ये क्या चल रहा है यार आजकल? मतलब तुमने खुद सोचा ये क्या किया तुमने? इतनी मेहनत की, इतना दिमाग लगाया और उसके बाद भी ये सब बनाया। ये पीली शर्ट में दीदी बैठी है, पेन से कुछ नोटबुक में लिख रही है, लेकिन ये क्या, पेन से कुछ लिख नहीं हो रहा, पेन खराब है। और दीदी पेन को लेती है और उसको फूके मारती है, हिलाती है ऊपर नीचे, और फिर कोई आता है पेन मांगता है और उसने रबर बैंड बांध के पेन को गोल गोल घुमा दिया। और अब ये मत कह देना कि ये पेन चल गया। अरे ये तो सच में चल गया, ये जिंदा है, देखो ये जिंदा है। मैं पहले ही बता दूं यार, ये ना इनके लिए इट वर्क्स होगा लेकिन मेरे लिए नहीं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे एक दोस्त ने भी ना स्कूल में पेन लेकर ऐसे गोल गोल घुमा दिया था और उसकी जो इंक निकली थी ना वो सामने वाले की शर्ट पे गिर गई और उसकी शर्ट खराब हो गई। इससे अच्छा तो वो बेचारा 10 रुपये का पेन ले लेता, अब उसको 1000 रुपये उसकी शर्ट के देने पड़ गए थे। इसलिए तुम भी ना ये ट्राई मत करना, ये कोई लाइफ हैक नहीं है, टट्टी है ये। मतलब कौन कहता है यार ये लाइफ हैक है, क्यों बना रहे यार तुम, क्यों क्यों? ये दीदी कुछ खाने के लिए लेकर आई, ओहो मैगी, लेकिन बिना मसाले के मैगी। ओ दीदी फूंक मार रही है, मैगी बहुत गर्म है, लेकिन ओ मैगी अभी भी बहुत गर्म है। और ये दीदी हेडफोन्स लेकर आ गई, लेकिन हेडफोन्स क्या करेंगे इसमें अब? रुको जरा, सबर करो। और ये हेडफोन्स में पंखा है भाई, पंखे वाले हेडफोन्स, पंखा चला, मैगी ठंडी होगी और दीदी ने खा ली। इट वर्क्स, बहुत बढ़िया लाइफ हैक है यार। लेकिन दीदी तुमने एक बात तो बताई नहीं कि ये हेडफोन मिलेंगे कहाँ से, ये पंखे वाले हेडफोन्स कौन सी दुकान से लूँ मैं जाके? यार ये लाइफ हैक बहुत बढ़िया है, मैंने भी ट्राई करना यार। और मैं पहली बता दूं कि आज इस वीडियो में मैं सिर्फ लाइफ हैक्स देखूंगा और उनको रोस्ट करूंगा, ट्राई तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा। अमी मानुस दो दिल में पलट गया। अबे ओ अल्टा पलटा कुछ नहीं हूं मैं, एक बारी वीडियो ध्यान से देख लो, उसको दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने बोला कि आज की वीडियो में ट्राई नहीं करूंगा, ये थोड़ी बोला कि मैं कभी भी ट्राई नहीं करूंगा। तुम इस वीडियो पे 10,000 लाइक करवाओ, मैं अगली वीडियो में ट्राई भी कर दूंगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? बस यार अब बहुत हो गया, अब नहीं मेरे से और देखे जाएंगे इनके लाइफ हैक्स। इनसे बड़े तो अपने इंडियंस के जुगाड़ होते हैं। मैं भी जा रहा हूँ और कोई बड़े से जुगाड़ ढूंढता हूँ अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने का, क्योंकि तुम लोग तो कर नहीं रहे हो।
अरे कर दो यार, हमने भी मिलियंस तक जाना है, कर दो प्लीज, कर दो, अरे कर दो ना।